कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान का महावीर चौक चास में बोकारो जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बावरी एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दुमका जाने के क्रम में जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बावरी के नेतृत्व में उन्हें फूल माला पहनाकर एवं गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना क्या कांग्रेस पार्टी विरोध करते हैं? अग्निपथ योजना युवाओं को बर्बाद करने की योजना है। जब तक अग्निपथ योजना को मोदी सरकार वापस नहीं ले लेती, कांग्रेस पार्टी का विरोध जारी रहेगा। एक सवाल के जवाब में केदार पासवान ने कहा कि विस्थापित एवं युवाओं के रोजगार के लिए झारखंड सरकार कृत संकल्प है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री से भी बात किए हुए हैं। इस मौके पर बोकारो जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बावरी ने कहा कि आज हम लोग चास के महावीर चौक पर प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान का स्वागत किए तथा प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान के यहाँ की स्थानीय समस्या को समक्ष रखे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि जल्द ही यहाँ की जितनी भी समस्या का समाधान होगा, इसके लिए हम मंत्री एवं मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मौके पर मुख्य रूप से मनोज राय, जुबिल अहमद, मधुसूदन बावरी इत्यादि के अलावा काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। देखिए, हम लोग का एक दिवसीय दौरा है। अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या छाई हुई, हाहाकार है। यूथ नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। अग्निपथ को ला करके, अग्निपथ जैसे योजना ला करके मोदी जी युवा को यहाँ बेरोजगार करना चाहते हैं। आप बता सकते हैं, आप पत्रकार बंधु से मेरा क्वेश्चन है कि ये अग्निपथ कितना दिन चल सकता है? इस तरह का योजना लाने के बाद यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल पाएगा? नहीं। यहाँ के दलितों को रोजगार मिलेगा? यहाँ गरीबों को रोजगार मिलेगा? यहाँ के OBC को रोजगार मिलेगा? पिछड़ा अगड़ा जितना भी लोग है, इस तरह की योजना ला करके सेंट्रल सरकार ने यहाँ के युवा को ठगने की काम कर रही है। इसीलिए मेरा एक दिवसीय दौरा है कि पूरे देश में जो बेरोजगार युवा है, वो उनके साथ हम खड़ा हैं, वो संघर्ष करें। कांग्रेस पार्टी उनके लिए पूरी तरह से खड़ा रहेगी और उनके साथ संघर्ष करेगी। आने वाला 2024 में हमारी कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में स्थापित होगा और युवाओं के लिए हम लोग रोजगार के लिए पूरी तरह से काम करेंगे इसी के साथ। केदार जी, वर्तमान में झारखंड में जो SC ST OBC की जो स्थिति है और जातीय आरक्षण की भी मांग हो रही है, जातीय जनगणना की भी मांग हो रही है, क्या लगता है इस पर क्या राय है? देखिए, इसके ऊपर हम लोग पहल कर रहे हैं और इसके बारे हम लोग मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से बात रखे हैं और हमको लगता है कि संभवतः SC ST OBC 28% जो अभी OBC की बात चल रही है, दलित के आरक्षण की बात चल रही है, इस सारी समस्या का निदान होगा। इस पर आगे भी बात चल रही है, मुख्य नेताओं के बात हम लोग रखे हैं, सरकार तक ये बात पहुंची है।